यहाँ आप अपने उस बैंक के बैंक डिटेल्स को भरें जिसमें आप अपने कस्टमर्स को सेल के बदले जो पेमेंट बनता है उसे डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। ये डिटेल्स आपके सारे सेल बिल अथवा बिल ऑफ सप्लाई पर दिखेंगे। अपने बैंक डिटेल्स को ऐड करने के लिए हमारे क्लियर टैक्स GST सॉफ्टवेयर में लॉग इन करें और सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें। जिस व्यापार के लिए आप बैंक डिटेल्स को भरना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और फिर इनवॉइस सेटिंग्स पर क्लिक करें। ऐड बैंक डिटेल्स के ऑप्शन को चुनें और सही GSTIN को भरें। अब नीचे दिए गए डिटेल्स को भरें। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, यहाँ आप इनवॉइसेस जैसे कि सेल्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई को भर सकते हैं जिसके लिए आप बैंक डिटेल्स डाल रहे हैं। एक बार आप ऊपर दिए गए प्रक्रिया को मानते हुए बैंक डिटेल्स को भरते हैं तो वो आपके हर सेल बिल या बिल ऑफ सप्लाई पर दिखेंगे। प्रश्न नंबर एक, अगर मैंने बैंक डिटेल्स भरने से पहले सेल बिल या बिल ऑफ सप्लाई बनाया है तो पुराने बिल्स को अपडेट कैसे किया जाए? उस विशिष्ट इनवॉइस या बिल को चुनें और एडिट पर क्लिक करें। अब सेटिंग्स पर जाकर रिफ्रेश पर क्लिक करें। सारी चेंजेस को सेव करें। अब आपके बैंक डिटेल्स आपके हर सेल इन पुराने बिल्स पर भी दिखेगा। प्रश्न नंबर दो, बैंक डिटेल्स को एडिट कैसे करें? ऊपर दिए गए प्रक्रिया को दोबारा भरें, उससे आपके बैंक डिटेल्स एडिट हो जाएंगे।